ऑफ रोड राइडर अभी। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने लिए एक राइडिंग बूट्स ऑर्डर करे, तो फाइनली वो आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कलर कैसा लगा, आप लोगों को कैसे लगा, जो भी आपकी ओपिनियन है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड गाइस यार मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर राइड करते हो, आप ऑफ रोड करते हो, आप वो बाइक चलाते हो, कोई भी बाइक चलाते हो, या मतलब आप कोई भी राइड करते हो, किसी टाइप की भी राइड करते हो, अलग अलग टाइप की राइड होते हैं, जैसे हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, कोई टूरिंग राइड करते हैं, तो आप लोग यार गाइस आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग राइडिंग गियर पहन के राइड करो और अपना अच्छे से राइड करो, सेफ रहो यार, राइड को एंजॉय करो। ये ब्रांड है फ्लाई रेसिंग का और ये इसका मॉडल है FR5 बूट्स। तो ये फ्लाई रेसिंग की तरफ से आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये इसके साइजेस वगैरह आते हैं और ये आप देख सकते हो US। और ये मैंने 9 नंबर ऑर्डर करा है क्योंकि राइडिंग शूज़ हमेशा 1 नंबर बड़ा पहनना चाहिए। अगर आप लोगों को 8 नंबर आता है तो आप लोग 9 नंबर पहने, अगर आप लोगों को 7 नंबर आता है तो आप लोग 8 नंबर पहने, क्योंकि यार हमेशा राइडिंग शूज़ 1 नंबर बड़ा पहनना चाहिए। अगर थोड़ा सा लूज़ होगा चलेगा, लेकिन अगर टाइट हो गया तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये रहा फ्लाई रेसिंग, अब करते हैं इसे अनबॉक्सिंग। तो ये कुछ ऐसा सा शूज़, ये जो मैंने मंगवाया है ब्लैक एंड वाइट कलर मंगवाया था आपने लिए, तो ये मैं आपको एक बार ही दिखाता हूँ। तो ये है फाइनली शूज़, ये आप देख सकते हो FR5 और ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ये आप चेक करो गाइस, ये आप देख सकते हो। तो ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन, ये फ्लाई रेसिंग का लोगो और ये बहुत हार्ड सोल आता है इसका, ये लेदर है। अच्छा, मैब्रिक और फ्लाई रेसिंग FR5 की बात करें तो दोनों एक ही ब्रांड है, दोनों एक ही कंपनी के हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, वो एंट्री लेवल शूज़ है, ये थोड़ा सा उससे ऊपर चला जाता है और दिखने में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लगेंगे आपको मैब्रिक और फ्लाई रेसिंग में। बस एक जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्लाई रेसिंग जो मैब्रिक आता है, मैब्रिक में आपको ये वाले जो बकल होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये जो बकल होते हैं ये आपके मैब्रिक में आते हैं 3 बकल्स, 1, 2 एंड 3, और इसमें FR5 में आपके आते हैं 4। तो ये कुछ ऐसे सर, ऐसे करके आप इसे यहाँ से पिन लॉक करो और ये लॉक हो गया। तो ये डिफरेंस आता है मैब्रिक और FR5 में। दूसरा ये वाला है हमारा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये कुछ ऐसे से दिखते हैं हमारे राइडिंग बूट्स, ये आप देख सकते हो फ्लाई रेसिंग, इसमें भी आपको सेम वही 4 बकल, ये आपका FR5 की लोगो, ब्लैक वाइट कलर का इसका जो मैंने ऑर्डर करा है इसका कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट में है। इसमें 2-3 कलर ऑप्शन आते हैं, ब्लैक आता है, फुल ब्लैक आता है, ब्लैक वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन आता है और वाइट आता है। पर्सनली मुझे रेड वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगता था, बट वो स्टॉक में था नहीं, तो ठीक है वाइट भी अच्छा है। मेरे को वैसे बेसिकली ज़्यादा पसंद ब्लैक एंड वाइट ही है, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है तो मैं ज़्यादातर ब्लैक ही पहनता हूँ। वाइट अच्छा है बट थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ती है इसके साथ, क्योंकि जल्दी से गंदे हो जाते हैं। खैर गंदे तो आप कोई भी कलर ले लो सारे ही हो जाते हैं, बट इसके साथ थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सो गाइस ऐसे से कुछ दिखते हैं हमारे शूज़। तो ये रहे हमारे बूट फ्लाई रेसिंग की तरफ से, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन, और ये आप चेक करो। सो अभी कैसे हैं, क्या है, कम्फर्ट कैसा है और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी तो यार मैं कुछ कह नहीं सकता कि कैसे हैं, मैं कोई अगर इसके बारे में रिव्यू करने का कोई बनता नहीं है अभी, क्योंकि अभी मैंने यूज़ नहीं करे, अभी मैंने नए मंगाए हैं, पहने भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं कल फर्स्ट राइड पे पहनूंगा इसे। तो कल एक बार ही राइड पे पहनेंगे, 1-2 बार चलाएंगे, देखेंगे कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहता है, क्या रहता है। तो अभी तक के लिए तो बिल्कुल थम्स अप और थैंक यू सो मच सोनू भैया, ये सोनू भाई ने ये मेरे को प्रोवाइड कराए हैं। तो सोनू भाई है हमारे जो कि देहरादून में स्पीड कस्टम से इनकी शॉप है, तो अच्छा सामान मिलता है। तो यार मस्ट रिकमेंड, आप लोग एक बार स्टोर इनका विज़िट कर सकते हो या इंस्टाग्राम आईडी इनकी चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे।
और काफ़ी अच्छे प्राइस देते हैं, और हमारा तो खैर अच्छा रिलेशन है ही भाई के साथ तो, बट आप लोग भी अगर आप जाओगे तो आप लोगों को भी श्योर अच्छी डील मिलेगी। सो आप लोग एक बार ही जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आती है बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए, बाइक्स वगैरह आती है, तो ये आप चेक करो यार एक बार व्यू। गाइस आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए हो, ब्लॉग पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और जो भी आपको अच्छा पार्ट लगा हो उसे कमेंट ज़रूर करें। और सबसे मेन बात गाइस, आप जब भी राइड करते हो तो आप प्रॉपर राइड गियर पहन के राइड करें। देखो जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने प्रॉपर राइडिंग गियर पहने हुए, मैंने हेलमेट पहना हुआ है, मैंने अंदर से जैकेट पहनी है, आर्मर पहना हुआ है और शूज़ पहने हुए हैं। सो गाइस आप जब भी राइड करते हो प्रॉपर राइड करें और अपना राइडिंग गियर पहन के करें। हम लोग ऑफ रोड करने आते हैं, ये भी आप हमें देख देख के मत करो, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि मेरा आगे जाके प्लान है, मुझे रैली खेलनी है, इसलिए मैं ये सारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो गाइस ये सारी चीज़ें ना करें। बच्चे जितने भी मेरा वीडियो देखते हैं, अगर जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं बच्चे, वो ये चीज़ें बिल्कुल ट्राई ना करें। गाइस अपना ख्याल रखें, ये ज़रूर याद रखें जब भी आप राइड करते हो यार, घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है आपका। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर पूरा खाली जगह है। हम लोग देखते हैं, हम लोगों के साथ पूरी एक टीम होती है, हम तीन चार लोग होते हैं साथ में, तो हम क्या करते हैं, एक वहाँ उस कॉर्नर खड़ा रहता है, एक इस कॉर्नर खड़ा रहता है, ताकि लोगों को देखते रहे कोई गाड़ियाँ आ रही है तो उनको पहले बता देते हैं कि यार आप लोग थोड़ा सा स्लो कर लो, क्योंकि वहाँ से लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए हो, ब्लॉग पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइड से प्रॉपर गियर पहन के राइड करें, तब तक के लिए बाय बाय। ये देख रहे हो गाइस, ये चेक करो, खन्ना जी हमेशा कुछ ना कुछ बवाल मचाते रहते हैं, आज मैंने शेयर किया।